हिंदुस्तान में मीठे का अगर जिक्र करें तो वी हैव अनलिमिटेड रेसिपीज, अनगिनत रेसिपीज है मीठे की। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ त्यौहार फेस्टिवल्स इतने होते हैं दैट वी हैव सो मेनी काइंड ऑफ डिफरेंट स्वीट्स। हेलो, मैं अफराज, आपका मॉर्निंग खान सामा। और मीठे की बात की है तो आज एक मीठा ही बनाऊंगा रेसिपी, जो कि है लखनऊ से, अवधी क्विजीन से आता है और इसे कहते हैं सेवइयों का मुजफ्फर। तो शुरुआत करेंगे, यहाँ पर मेरे पास है रोस्टेड सेवई, इसे बनाएंगे। काफ़ी सिंपल रेसिपी है, ओकेशनल रेसिपी है, ईद में काफ़ी बनती है। पहले नवाब काफ़ी खाया करते थे और जब भी कोई जश्न या विक्ट्री होती थी तो ये रेसिपी बनाई जाती थी। तो उसी तरह आज भी हम बनाएंगे अपने किचन में। तो यहाँ पर साइमल्टेनियसली मैं दो पैन गरम करूँगा, एक में बनाएंगे शुगर सिरप और दूसरे में जो है सेवई को हमें भूनना है घी में। शुगर और पानी ले लेते हैं। शुगर सिरप है वो नॉर्मल डाइल्यूटेड होगा शुगर पानी के साथ, हमें कोई स्ट्रिंग कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए इसमें। तो यहाँ पर हमारी चाशनी बन रही है और ये दूसरे पैन में मैं डालूँगा घी। जी हाँ, देसी घी में से बनाएंगे। घी हमारी यहाँ पे गर्म हो चुकी है, शुगर सिरप भी रेडी हो रहा है और क्योंकि ये रोस्टेड वर्मेसली है तो ज़्यादा इसे भूनेंगे नहीं, बट हल्का सा घी में सौते करेंगे और इस तरह से मैं तोड़ कर ये ऐड कर लूँगा। ये इसके अंदर आ गया और अब इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। मेक श्योर दैट जो फ्लेम है आपकी एकदम हाई ना हो, वरना डालते से ही सेवई जो है वो जल सकती है। हमें इसे अच्छी तरह से भूनना है घी में। तो सेवियाँ जो अच्छी तरह से भून रही है, ये जो सेवई होती है वो आटे से बनती है, काफ़ी फाइन आर्ट है बनाने का भी इसका। और देखिए क्या खुशबू आ रही है इसमें से, हल्की हल्की जो भून रही है, ऑलरेडी रोस्टेड है। अगर सफ़ेद वाली आपको मिले तो उसे आपको ज़रा ज़्यादा रोस्ट करना पड़ेगा। तो जैसे आपको खुशबू आने लगे भुनने की, उसका मतलब सेवई जो है वो अच्छी भुन चुकी है। ज़्यादा भी हमें नहीं भुनना है वरना एक बिटर सा स्वाद आएगा। और यूजुअली क्या करते हैं लोग, इसमें या तो इसमें पानी डाल के इसको पका लेते हैं एंड देन दे ऐड शुगर, या तो फिर शुगर सिरप बना के डालते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ। तो शुगर सिरप यहाँ पर रेडी है हमारा, तो शुगर सिरप डाल देते हैं इसके ऊपर। जस्ट बी अ लिटिल केयरफुल, क्योंकि जब आप शुगर सिरप डालोगे इसमें तो हल्का सा फ्लटर करेगा, बबल करेगा। और अब बस हल्के हाथ से मिलाकर सेवियाँ को इत्मीनान से पकने देना है ताकि जो शुगर सिरप है वो एब्जॉर्ब कर ले और मीठा बन जाइए। और साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल लेते हैं। आँच को कम करके इस पर ढक्कन लगाकर इसे पकने देना है जब तक कि अच्छे से जो सेवई है वो शुगर सिरप को एब्जॉर्ब कर ले और थोड़ा सा पक जाए। उसके बाद इसको फिनिश करेंगे खोया और मिल्क के साथ। तो चलिए इसे चेक करते हैं, लुक्स गुड। देखिए कैसे ये पक चुका है, ऑलमोस्ट पानी जितना भी था उसने एब्जॉर्ब कर लिया है। बट ये सेवई है नॉर्मल, अगर सेवईयों का मुजफ्फर बना रहे हो तो उसमें थोड़ा दूध और खोया पड़ता है, थोड़ी रिचनेस आती है, तो ये हल्का सा ऐसा थोड़ा लटपट बनता है। तो अब इसमें बारी आती है डालने की खोया यानी कि मावा, और इसी के साथ साथ थोड़ा सा दूध। थिंग नाइस एंड रिच, हल्का सा इसको पकने देंगे दूध के साथ। तो इसे मैं ढक दूंगा और यहाँ पर लूँगा एक दूसरा पैन, इसमें फ्राई कर लेंगे हम हमारे ड्राई फ्रूट्स। तो जो बादाम हमने काटे हैं उसे हल्का सा सुनहरा कलर देके, देन आई एम गोइंग टू ऐड दिस टू द मुजफ्फर। तो इस गरम घी में ये जो कटे हुए बादाम के स्लीवर्स है वो डाल के हम फ्राई कर लेंगे अच्छे गोल्डन होने तक। सो लीजिए, इस पर अच्छा सुनहरा गोल्डन कलर आ गया है। इस समय मैं गैस को करूँगा बंद और डायरेक्टली इसे डाल दूंगा इस पर। वाह,
बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है घी की, खोए की, मिल्क की, और एक साथ में जब ये सब मिल गए हैं तो क्या बढ़िया सी एक ये शाही मिठाई बन गई है। मिल्क भी सारा एब्जॉर्ब कर लिया इसने और अच्छे से ये पक चुका है हमारा सेवई। तो चलिए देर किस बात की, गर्मा गर्म इसे सर्व कर लेते हैं। और बस इसे गार्निश कर लेते हैं विद सम पिस्ताशियो स्लीवर्स, और थोड़ा और शाही बनाने के लिए फिर लगाएंगे चांदी का वर्क। तो लीजिए शाही घराने का एक और मीठा अब बनेगा आपके घर में भी ये, क्योंकि इसकी रेसिपी आपके पास है। और ज़रूरी नहीं है कि कोई ओकेशन या फेस्टिव के लिए रुकना पड़ेगा आपको, अभी जाइए और तुरंत इसे ट्राई कीजिए। मेरे मुँह में तो पानी आ रहा है, आई एम श्योर आपके मुँह में भी आ रहा होगा, बट ज़रूर इसे अपने घर पर ट्राई कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली को खिलाइए एंड टेक ऑल योर क्रेडिट्स फॉर योर ओन। चलिए मिलते हैं ऐसी और शाही रेसिपीज़ के साथ अगली बार, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।